अगर आप किसी मॉड्यूल में या सब्जेक्ट में फेल होते हो तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपका सपोर्ट नहीं करती है, यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है। आपको एक्सटेन्यूटिंग सर्कमस्टेंसेस फॉर्म भरना पड़ता है, यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर करती है, आपका डिपार्टमेंट उसको कंसिडर करेगा, एंड आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल टू रीसीट दैट मॉड्यूल या दैट एग्जाम या दैट पेपर या जो भी उस सब्जेक्ट के से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि मैंने बता चुका हूँ काफी टाइम कि एक मॉड्यूल कुड बी डिवाइडेड इंटू मेनी पार्ट्स, लाइक 30%, 40% प्लस में 70%, इस तरीके से डिवाइड होता है। तो जिस मॉड्यूल के परसेंटेज में, जैसे कि मान लो 50-50% है, एक असाइनमेंट है एक टेस्ट है, अगर आप टेस्ट वाले में फेल करते हो तो टेस्ट वाला रीसीट करना है आपको, सिर्फ दूसरा वाला नहीं करना है। अगर आप जैसे कि 70% और एक मेरा 60% का प्रोजेक्ट था, एक 40% का लैब टेस्ट था, तो मैं लैब टेस्ट में मैंने कम नंबर आए थे, तो उस वजह से मैंने उसको रीसीट किया था। और जो प्रोजेक्ट था उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, फ्रेंड्स वगैरह ने हेल्प की थी, तो उस वजह से मेरे को वो रीसीट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर आप सेकेंड टर्म में भी फेल होते हो तब भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं रीसीट करने के लिए, यूनिवर्सिटी को आपको दोबारा से मेल करना पड़ता है, सर्कमस्टेंसेस एक्सटेन्यूटिंग सर्कमस्टेंसेस फॉर्म दोबारा से भरना पड़ता है, एक्सप्लेन करनी पड़ती है अपनी सिचुएशन, और फिर वो आपको रीसीट करने के लिए देते हैं। और रीसीट के लिए अगर वॉलंटरी मॉड्यूल नहीं है तो आपको £50 ईच मॉड्यूल का पे करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द रीसीट ऑफ दैट मॉड्यूल। मतलब एक मॉड्यूल को रीसेट करने के लिए £50 का फीस भी होता है, तो वो आपको पे करना पड़ता है। और हाँ, इन सब का इफेक्ट, जैसे कि आपने 2 बार टेस्ट दिया या 3 बार टेस्ट दिया, इन सब का इफेक्ट ना तो आपकी डिग्री पे होता है, ये मैंने अपने डिपार्टमेंट का जो, जैसे मेरा मैथ्स डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनसे कॉल पे कंफर्म किया था, तो इस वजह से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये आपकी डिग्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। प्लस में इट डजेंट अफेक्ट इवन योर PSW, क्योंकि उसकी पहली रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, वो भी UK से आपकी कंप्लीटेड एक डिग्री होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द PSW।